हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी इसमें से बनते हैं। चाहे फेडरल बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन से। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होती है? आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ लोग करीब की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते, कुछ लोग दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते, और कुछ लोगों के अंदर दोनों ये प्रॉब्लम होते हैं, नजदीक और दूर दोनों का प्रॉब्लम उनको पाया जाता है। इसको हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। दो तरह का ये होता है डिफेक्ट ऑफ विजन। एक नियर साइटेडनेस, यानी जो लोग सिर्फ करीब की चीजों को देख पाते हैं, दूर की चीजों को नहीं देख पाते, इसको हम मायोपिया भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है फार साइटेडनेस, यानी सिर्फ दूर की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, करीब की चीजों को क्लियरली नहीं देख सकते, इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये दो नाम है इनके, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो अब ये किस तरह से होते हैं, आखिर आंख के अंदर क्या चल रहा होता है, इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए लेंस अकोमोडेशन का। लेंस अकोमोडेशन क्या होती है? इंसानी आंख जो है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। जिस तरह कैमरे में एक लेंस होता है और उसकी बैक पे फिल्म होती है, बिल्कुल वैसे ही आंख में भी यहां सामने एक लेंस होता है और उसकी बैक साइड के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना वो एरिया होता है आंख का जिसके ऊपर इमेज बनता है। तो लेंस क्या करता है? इमेज को फोकस करता है। तो ये जो रेज ऑफ लाइट है जब इमेज बनाती है रेटिना के ऊपर, तो आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। कैमरे में और आंख में फर्क ये है कि कैमरे के अंदर जो लेंस इस्तेमाल होता है उसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, चेंज नहीं हो सकती। इसलिए या तो वो करीब की चीजों को फोकस कर सकता है या वो दूर की चीजों को फोकस कर सकता है। अक्सर आपने कैमरे की पिक्चर्स देखी होंगी कि अगर आप करीब खड़े हैं और पीछे बैकग्राउंड में कोई जंगल या कोई इस तरह का दूर दराज का इलाका है, यानी दूर है ऑब्जेक्ट्स, तो आपकी इमेज क्लियर आएगी और बैक साइड सारी ब्लर आएगी। क्यों? कि आपने फोकस किया है नियर ऑब्जेक्ट को। जो उसके दूर ऑब्जेक्ट होगा वो फिर आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, वो ब्लर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप जो लेंस की बात करते हैं, तो लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाता। अगर हमने दूर की चीजों को ऑब्जर्व करना है या नजदीक की चीजों को ऑब्जर्व करना है, तो हम या इस अंदर जो मौजूद लेंस है उसको आगे या पीछे मूव करते हैं, जिससे वो करीब और दूर की चीजों को फोकस करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आंख के अंदर ये खसूसियत रखी है कि उसके अंदर पाया जाने वाला ये जो लेंस है, ये लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। ये अपनी थिकनेस कम या ज्यादा कर लेता है, जिससे इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो बगैर इस लेंस को आगे या पीछे ले जाए, एक ही लोकेशन के ऊपर पड़े हुए हम करीब की चीजों को भी फोकस कर सकते हैं और दूर की चीजों को भी फोकस कर लेते हैं। इसको कहते हैं लेंस एकोमोडेशन। अब बेसिकली ये होता कैसे? इसके साथ ये सिलरी मसल्स अटैच होते हैं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं, तो कभी इसको ऐसे पुश कर देते हैं, कभी इसको ऐसे खींच देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसकी थिकनेस कभी कम तो कभी ज्यादा हो जाती है। अब नॉर्मल जो एक आंख है उसके अंदर किस तरह से इमेज बनता है, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर पड़ा हो या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो करीब पड़ा हो, तो उसको देखते हैं। जब कोई एक फार ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये एक एरो है, इसको आंख ने इसका क्लियर इमेज बनाना है, तो होता क्या है कि जो सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होकर कैसे हो जाते हैं? ऐसे वापिस चले जाते हैं। तो जब ये वापिस चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो लेंस है, ये यूं समझ जैसे बालून के अंदर वाटर हमने पुट किया, उसको ऐसे खींचे तो उसकी थिकनेस कम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह ये एक छोटा सा बैग होता है जिसमें लिक्विड होता है, तो जैसे ये मसल ऐसे खींचते हैं इसको, इसकी थिकनेस कम हो जाती है। जब इसकी थिकनेस कम हो जाती है तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, फिर वो क्या करेगा, इसको ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही है इसको कम बेंड करेगा और ये रेज आके सीधा इमेज बनाएगी रेटिना के ऊपर। यहां आपको इमेज नजर आएगा, ये रेटिना है आंख का वो हिस्सा जहां पर इमेज बनता है। इसी तरह जब हमने कोई करीब का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमारी आंख से करीब है यहां पर, तो करीब के इमेज को फोकस करने के लिए फिर क्या होता है, ये जो सिलरी मसल्स हैं ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे इसको पुश करते हैं, ऐसे ये दोनों तरफ से आ रही होती है, इस तरह पुश करते हैं। पुश करने से क्या होता है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। जब लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी तो उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी कम।
अब फोकल लेंथ स्मॉलर होगी, अब क्या करेगा ये करीब की चीजों को आसानी से फोकस करेगा, यानी लाइट को अब ये ज्यादा बेंड कर देगा और जो इसकी रेज ऑफ फ्लाइट है वो आके इस पॉइंट पे मीट करेगी, यानी इमेज रेटिना के ऊपर फोकस हो जाता है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन तब आते हैं जब आपका लेंस जो सही से काम नहीं कर रहा होता, यानी फोकल लेंथ को प्रॉपरली कम या ज्यादा नहीं कर पा रहा होता, तो फिर क्या होता है आपको कोई भी चीज क्लियर नजर नहीं आती, क्योंकि इमेज जब रेटिना के ऊपर फोकस होगा तभी आपको क्लियर इमेज दिखाई देगा, आपको सही वो चीज दिखाई देगी। जब इमेज रेटिना से पहले या रेटिना से बाद फोकस होगा तो वो चीज आपको ब्लर दिखाई देगी, क्लियर नजर नहीं आएगा आपको। तो यहां पर ये होता है, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल आई किस तरह से काम कर रही होती है। जब एक ऐसा बंदा जिसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मायोपिया का इशू है, हम पहली लाइन में मायोपिया को डिस्कस करेंगे। एक शख्स है जिसको मायोपिया का डिस्कस है, असर उसकी आंख में क्या चल रहा होता है, होता यूं है कि अब देखिए इसको जब एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है तो होना यूं चाहिए था कि सिलरी मसल प्रॉपरली रिलैक्स होते, इसकी थिकनेस कम हो जाती ताकि इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती और ये इमेज को फोकस कर देता रेटिना के ऊपर। लेकिन जिस बंदे को मायोपिया है तो वो क्या होता है, उसका लेंस प्रॉपरली थिन नहीं होता, देखिए इसकी थिकनेस कम नहीं हुई, इसकी थिकनेस कम होनी चाहिए थी, देखिए ये नॉर्मल आई है, थिकनेस कम होनी चाहिए थी, अब सिलरी मसल प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हुए तो ये जो इसकी थिकनेस है वो कम नहीं हुई। जब थिकनेस कम नहीं हुई तो उससे क्या हुआ, इसकी फोकल लेंथ जो है वो स्मॉलर होगी और ये जो रेज ऑफ लाइट इसमें आ रही है, ये एक पॉइंट से तीन रेज ऑफ लाइट आ रही है, वो रेटिना से पहले ही उन्होंने इमेज बना दिया, उन्होंने रेटिना से पहले ही इमेज बना दिया क्योंकि फोकस करीब हो गया लेंस से। तो रेटिना से पहले जब उन्होंने इमेज बनाया तो उससे क्या हुआ कि अब ये इमेज आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, इमेज ब्लर हो गया, तो इसको हम कहते हैं मायोपिया। फिर से सुने, मायोपिया क्या है, मायोपिया में ये होता है कि जो लेंस है वो प्रॉपरली थिन नहीं होता, यानी उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम नहीं होती, जो एक ये बेसिकली एबनॉर्मलिटी है इस लेंस की। तो उससे क्या होता है, रेज ऑफ लाइट जो आई में एंटर हो रही है वो रेटिना से पहले इमेज बना देती है, इमेज वहां बनता है जहां रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज करती है, ये इस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट आ रही थी, इन्होंने रेटिना से पहले ही एक पॉइंट पे कन्वर्ट होगी, कन्वर्ज होगी तो इमेज बनेगा इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगा वो रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो सकता, क्योंकि रेज ऑफ लाइट रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो रही, इसलिए इमेज आपको ब्लर नजर आएगा, इमेज क्लियर नजर नहीं आएगा, दिस इज मायोपिया। अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो पहले हम नॉर्मल आई की बात की थी, हमने नॉर्मल आई में क्या होता है कि जब हमने करीब की चीजों को ऑब्जर्व करना है तो अब हमें लेंस की फोकल लेंथ कम चाहिए, तो होता क्या है, सिलरी मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस तरह से इसको पुश करते हैं, ये सिलरी मसल इसको पुश करते हैं तो क्या होता है, इसकी थिकनेस यहां से बढ़ जाती है। जब इसकी थिकनेस यहां से बढ़ जाती है तो थिकनेस के बढ़ने से इसकी फोकल लेंथ हो जाती है शॉर्टर, और फिर क्या होता है कि ये सही से रेटिना के ऊपर इसको इमेज को फोकस कर देता है, क्योंकि करीब की चीजों को दिखाने के लिए फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, दूर की चीजों को फोकस करने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अब यहां पर ये हमारे पास इमेज बन गया रेटिना के ऊपर। अब क्या होता है, अब ये है कि एक बंदा जिसकी जो लेंस है वो प्रॉपरली अकोमोडेशन नहीं कर रहा, यानी लेंस में डिफेक्ट आ चुका है, जिसको हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, उसका लेंस प्रॉपरली अब थिन नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपरली नहीं होगा, थिक नहीं होगा, हमें करीब की चीजों को फोकस करने के लिए इसकी थिकनेस बढ़ानी है ताकि फोकल लेंथ कम हो। तो जब हमने करीब का ये पॉइंट है, ये वो पर्सन की आई है, उसका लेंस है जिसको हाइपरमेट्रोपिया का इशू है, अब इसका लेंथ जो अभी तक रिलैक्स है, ठीक है, वो इसकी यहां से थिकनेस इंक्रीज नहीं हुई, जाके इतनी होनी चाहिए थी, नहीं हुई इतनी, अभी भी ये थिन है, तो फिर ये क्या करेगा, जब ये थिन होगा तो इसका फोकस पॉइंट दूर बनेगा, फोकस पॉइंट दूर बनेगा तो ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही है ये कहीं दूर जाके एक पॉइंट पे इकट्ठी होगी, कन्वर्ज होगी और वहां पर इमेज बनाएगी। जब ये दूर एक पॉइंट के ऊपर इमेज बनाएगी तो उससे क्या होगा, अब इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा, जब इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बनेगा तो हमें वो इमेज क्लियरली नजर नहीं आएगा, तो फिर कहेंगे कि ये इसका जो है वो डिफेक्ट ऑफ लेंस इसको कहते हैं, वो ये इमेज क्लियरली रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाया। तो ये दो हमारे पास मेन इश्यूज हैं, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम कहते हैं फार साइटेडनेस, यानी सिर्फ दूर की चीजों को देख सकता है, करीब की चीजों को नहीं देख सकता, और जो नियर साइटेडनेस है मायोपिया, वो सिर्फ करीब की चीजों को देख सकता है। अब हम बात करते हैं जी, हम किस तरह से इस डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं।
आपने ग्लासेस देखे होंगे अक्सर, लोग जिनकी आई साइट वीक होती है नजदीक की या दूर की, तो वो ग्लासेस यूज करते हैं। ये दो तरह के ग्लासेस यूज होते हैं जिनमें लेंसेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम किस तरह से इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। देखें, ये जो लेंस था ये क्या कर रहा है, ये इसका प्रॉब्लम ये है कि ये इमेज को, ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है इस रेटिना से पहले। रेज ऑफ लाइट जो आंख में एंटर होती है उसको रेटिना से पहले फोकस कर देता है। हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा दूर जाके फोकस करना है। अब लेंस तो हमारा अपनी थिकनेस अब चेंज नहीं कर रहा, अब खुद ब खुद अपनी थिकनेस वो चेंज नहीं कर रहा है, इसको थिन होना चाहिए था, मगर थिन नहीं हुआ। ये थिक क्या, उसकी वजह से इमेज पहले फोकस हो गया इमेज रेटिना से। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा दूर जाके फोकस कराना है, यानी ये रेज ऑफ लाइट यहां फोकस हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही है ना, हम इन रेज ऑफ लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देंगे, थोड़ा फैला के भेजेंगे, तो ये आगे जाके फोकस होंगी। कैसे, देखिए ये मैंने एक पॉइंट बनाया है, देखिए ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये दूसरी रे ऑफ लाइट आ रही है, ये लेंस से जो रेज निकल रही है ये बहुत ज्यादा बेंड हुई है, इसीलिए जल्दी फोकस हो गई है। जो कम बेंड हुई है थोड़ा आगे जाके फोकस होंगी, जो और कम बेंड होगी और आगे फोकस होती है, जो सबसे कम बेंड होगी वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर जाके फोकस होती है। हमें इसका फोकस थोड़ा सा आगे जाके करना है, यानी ये रेज ऑफ लाइट इससे निकलने के बाद यहां जाके फोकस हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसके सामने हम एक कनकेव लेंस यूज कर लेते हैं। कनकेव लेंस क्या करता है, थोड़ा सा रेज को फैला के भेजता है। ये देखें, ये रहा हमारे पास कनकेव लेंस, क्या करता है, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है उनको थोड़ा सा ऐसे फैला देगा, ऐसे फैला दिया इसने। यहां पर लेंस रखा, ये रेज ऑफ लाइट आ रही थी, थोड़ी सी फैला दी, फैलाने के बाद जब यहां से भेजी तो अब वो इस पॉइंट पर फोकस होने की बजाय सीधा इस इसके ऊपर, यानी रेटिना के ऊपर फोकस हो रही है। तो कैसे किया हमने, पहले थोड़ा सा इसको फैलाया, फैलाने के बाद जब इसमें से पास कराया तो फिर वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर आई। तो इनको डाइवर्ज करने के लिए, फैलाने के लिए जो लेंस हम यूज करते हैं वो लेंस होता है हमारे पास डबल कनकेव लेंस। तो डबल कनकेव लेंस को हम ग्लासेस के अंदर यूज करते हैं उस बंदे के लिए जिसको इश्यू हो मायोपिया का। एक बार फिर से सुन ले, मायोपिया के अंदर ये रेज ऑफ लाइट पहले कन्वर्ज हो जाती है, ऐसे एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, वहां इमेज बन जाता है। इमेज रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए हमें इसको थोड़ा आगे जाके फोकस कराना है। तो आगे जाके फोकस कराने के लिए इन रेज को थोड़ा सा ऐसे डाइवर्स करना पड़ेगा, थोड़ा अगर देखिए इस तरह से मीट हो रही है, यहां पर ऐसे फैला देंगे तो आगे जाके मीट हो जाएंगी, कह में ऐसे हैं तो जल्दी इसका फोकस बन रहा है, फैलेंगी तो आगे जाके फोकस बनेगा। जैसे यहां पर मैंने दिखाया, देखें जब ये ऐसे ज्यादा बेंड हुई हुई है तो यहां फोकस बन रहा है, ऐसे डाइवर्ज होगी तो फोकस आगे बनेगा, और डाइवर्ज होगी तो और आगे फोकस बनेगा। तो हमें इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करने की जरूरत है, ऐसे फैलाने की जरूरत है, ओपन करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम ये लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस को जैसे ही हमने यूज किया, आप ये देख सकते हैं ये रे ऑफ लाइट यूं जा रही थी, इसको सीधा यूं जाना चाहिए था, मगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड होगी, ये यहां से ऊपर की तरफ फैला के हमने इस लेंस से पास कराया, तो अब वो इस पॉइंट की बजाय अपने ओरिजिनल रेटिना के ऊपर जाके फोकस हो रही है। तो इसका फाइनल आंसर यह है कि हम एक कनकेव लेंस को यूज करेंगे इस मायोपिया से रिलेटेड जो पेशेंट है उसको आई को करेक्ट करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं करेक्शन ऑफ मायोपिया। अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या इशू होता है कि ये रेज ऑफ लाइट बहुत आगे जाके फोकस हो रही होती है, यानी रेटिना को क्रॉस करके रेटिना से बाहर फोकस हो रही होती है, रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होती। ये रेज ऑफ लाइट जाके रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होती, रेटिना से आगे जाके फोकस होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इन लाइट रेज को जो आगे जाके फोकस हो रही है, अगर हम इनको थोड़ा सा बेंड कर देंगे, देखें ये वाली जो रेज ऑफ लाइट है ये वाली इस पॉइंट पे फोकस बना रही है, अगर इसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे तो फोकस करीब हो जाएगा, और बेंड कर देंगे तो फोकस और करीब हो जाएगा। यानी फोकस को अगर आप करीब लाना चाहते हैं तो आप इन रेज ऑफ लाइट को बेंड करें। बेंड कैसे करते हैं, बेंड करने के लिए आप यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस। ये रहा कन्वेक्स लेंस, अगर रेज ऑफ लाइट यूं आ रही है तो उनको बेंड करके एक दूसरे के करीब ले आता है। तो याद रखें, ये एक पॉइंट अगर आपके माइंड में आ गया तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपने इसके लिए ये वाला लेंस यूज कर रहा है या ये वाला। अगर आप रटा लगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं पेपर के अंदर, इसकी बजाय आप ये लेंस यूज कर लें। सिंपल सी बात माइंड में रखें कि अगर फोकस करीब बन रहा है तो रेज ऑफ लाइट को ऐसे डाइवर्ज करने की जरूरत है, जब वो ऐसे डाइवर्ज होती है तो फोकस आगे जाके बनेगा। ठीक है, तो डाइवर्ज करने से फोकस आगे बनता है। तो डाइवर्ज किससे करते हैं, कनकेव लेंस से।
ओके सिमिलरली जब आपका फोकस दूर बन रहा है आपने उसको फोकस को करीब लाना है, तो फोकस करीब तब आएगा जब रेज ऑफ लाइट को आप कन्वर्ज करते हैं। ये देखिए ये रेज ऑफ लाइट थी, इधर जाकर फोकस बना रही थी, कन्वर्ज किया तो इधर फोकस बन गया और कन्वर्ज किया तो यहां फोकस बन गया। तो आपको रेज ऑफ लाइट यहां कन्वर्ज करने की जरूरत है, इकट्ठी करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, कनकेव कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे यहां पर। जब आपने कन्वेक्स लेंस को यहां पर यूज किया तो कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, इन रेज ऑफ लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया। ये देखें यहां पर ये ऑब्जेक्ट था, इस पॉइंट से रेज निकल के आ रही है, तीन रेज आएंगे यहां पर, जैसे इससे पास की तो इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, ऐसे थोड़ा सा बेंड करके इधर चलेगी, देखें इधर जा रही थी ऐसे बेंड होगी, थोड़ा सा बेंड कर दिया, कन्वर्ज कर दिया थोड़ा सा इन रेज ऑफ लाइट को। कन्वर्ज करने के बाद फिर ये आंख के लेंस से गुजरी, ये हमारे पास ग्लासेस का लेंस है और ये है आंख का लेंस। जब इससे गुजरी तो गुजरने के बाद अब वो बजाय के इस पॉइंट पर फोकस होती, वो रेटिना के ऊपर फोकस हो रही है। इस तरह से आप इस डिफेक्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। तो फिर से सुन लें इसको, हम किस तरह हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर फोकस दूर जाकर बनता है, फोकस दूर बनेगा आप उसको करीब लाना चाहते हैं तो करीब फोकस लाने के लिए आपको रेज ऑफ लाइट को बेंड करने की जरूरत है, कन्वर्ज करने की जरूरत है। जैसे मैंने यहां पर बताया कन्वर्ज करेंगे तो करीब फोकस बनेगा। तो कन्वर्ज करने वाला लेंस कौन सा होता है, ये है कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं कि रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट की तरफ लेके आता है। तो इसने क्या किया, रेज ऑफ लाइट को ऐसे थोड़ा सा कन्वर्ज किया, देखें ये जा रही थी थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई, ये यूं जा रही थोड़ी सी ऊपर की तरफ कन्वर्ज हो गई। अब कन्वर्ज करने के बाद जब इस लेंस से गुजारेंगे तो फिर ये एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर इमेज बनाएगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप बात पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।